हमारा गोवा का गोमंतक पेपर है। आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी हमेशा इसके ऊपर एडवर्टाइज डालती है। ये बता रही है 5,000 रुपया हम हर महीना देंगे महिलाओं के लिए गृह आधार। अब बता रही वो 50,000 लोगों को घर देंगी। कहाँ का जमीन लेके घर देंगी? क्या इसका इधर गोवा में कुछ जगह है? ममता बनर्जी का क्या गोवा में जगह है जो वो हमको यहाँ पे घर देगी? जिसका घर नहीं उनको यहाँ घर देगी? वो कहाँ से देगी बोलती? अगर उनको इतना ये है, उनके गांव के लोगों को वो हमारे यहाँ हमारी जो भी ज़मीन है बची कुची वो सब खाने के लिए तैयारी तो नहीं कर रही? आप लोगों को ध्यान रखना है, हमें उनके गांव में से लोग जो यहाँ पे रोजी रोटी करने के लिए आए हैं वो हमें बता रहे, अरे बहन जी हम इतने दूर से बंगाल से यहाँ क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम गोवा में आए हैं। और अभी आप उनको अगर उतना वहाँ पे कुछ देना होता हम आपके गांव में क्यों आते? इसके लिए मैं गोवा वाले को, गोवा में जो रहते हैं जिनका यहाँ वोटिंग है, दिशा बोल करके मत लीजिए, किसी के बात सुनकर किसी पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। एक ही ध्यान रखिए कि गोवा में ये जो झूठ बोलने के लिए आ रहे हैं इनसे दूर रहिए। दूसरा है हमारे दाबोली के कैंडिडेट, आपका जो कैंडिडेट रखा है केसरीवाल जी ने, उन्होंने कैंडिडेट जो रखा है वो मेरे साथ म्यूनसिपालिटी नगर सेवक था, उसको म्यूनसिपालिटी में खड़े रह के एक बात करने को नहीं आता था। जब वो म्यूनसिपालिटी में कुछ नहीं बात कर सका वो असेंबली में जाकर क्या बात करेगा? जिसको आज तक आवाज़ उठाने को नहीं आया वो असेंबली में जाके क्या करेगा? हमारे केसरीवाल जी ने उसको पैसा दिया है तोड़ने के लिए, पार्टी का पैसा मिल रहा है, मंगता वैसा तोड़ रहा है, दारू पिला रहा है, ऐश करा रहा है, लेकिन कल असेंबली में क्या जाके समोसा पाव भाजी खा के वापस आएगा? क्या स्कैम करता उसमें पैसा नजीक करेगा? एक याद रखिए, ऐसे वैसे आदमी को किसी को सपोर्ट मत करिए। तारा केरकर पूरे गोवा में, पूरे गोवा में जिसको भी तकलीफ हो रही है, किसके ऊपर अन्याय हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाती है, एक चांस हमें दीजिए और हमको सपोर्ट करिए। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, एक ही बार मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद।